बधिर ओलंपिक 2017 में हिस्सा लेकर भारतीय खिलाड़ी बीती रात दिल्ली एयरपोर्ट पर लौटे, लेकिन उन्होंने एयरपोर्ट से घर जाने से इनकार कर दिया। वो इस बात से नाराज हो गए कि उनके स्वागत में खेल मंत्री क्यों नहीं आए। दरअसल इनमें कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो मेडल जीत कर आए हैं। डेफलिंपिक्स 2017 के प्रोजेक्ट मैनेजर केतन शाह ने कहा कि इन लोगों ने मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है, लेकिन खेल मंत्री हो या फिर सरकार की तरफ से कोई भी वहां पर एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचा। आपको बता दें कि डेफलिंपिक 2017 टर्की में हुआ था। ये खेल 18 जुलाई को शुरू हुए थे, 30 जुलाई को खत्म हो गए। इसमें 97 देशों ने हिस्सा लिया था, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से भी शानदार प्रदर्शन किया गया, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर इनका स्वागत किसी ने नहीं किया, जिसके बाद ये वहीं पर डटे रहे। उनकी तरफ से सवाल उठाया गया कि आखिरकार क्यों नहीं खेल मंत्री उनके वेलकम के लिए वहां पहुंचे। जो आर्मेनिया का पहलवान था, जो पिछले ओलंपिक का मेडलिस्ट था, उसके ऊपर 11-0 का स्कोर बनाया, तो हमारे सारे लड़के बेहतरीन लड़े। रेसलिंग के जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए, मुझे पूरा भरोसा था, और आगे आने वाले ओलंपिक में हमारे रेसलिंग में कम से कम 8 वजन होते हैं। अगर फ्री स्टाइल की पूरी टीम जाएगी तो हम कम से कम 5 या 6 मेडल निश्चित रूप से जीतेंगे। हम लोगों ने ये इंडिया का नाम रोशन किया है, ये हमारा खुद का नाम रोशन नहीं किया है। हमने जो इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड के अंदर रोशन किया है, तो क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता है कि वो यहाँ पे हमारी ये डेप जो ओलंपियन जो है तो उसको रिसीव करने के लिए या थैंक्स गिवन करने के लिए। हाँ, उन्होंने इतना सारा सब कुछ किया, आना जाना सब खर्चा किया, लेकिन क्या उसके बाद में हमने ये हमारे डेप प्लेयर लोगों ने उसका रिवॉर्ड दिया, तो क्या वो रिवॉर्ड के सामने एप्रिसिएशन नहीं होना चाहिए?